एक तेरा हमें भैया, चरणों का सहारा है, मझधार पति नैया और दूर किनारा है, मझधार पति नैया और दूर किनारा है। दुखी मन और दुखी हृदय पे अब करुणा करो स्वामी, चरण में आ पड़ा हूँ, अब करुणा करो स्वामी। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप मुझे, खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और इंसाफ उन्हें। हे भाई, इतने अधीर ना हो, धैर्य रखो। भैया इधर आप धैर्य रखने की बात करते हैं और उधर उधर क्या बोलो भाई। हेलो भैया, इधर आप वनों को पधारे, उधर हे राम, लखन, सीता, धीरज करो, रोने से हाथ आएगा क्या? रोने और विलापों से वह मृतक छुरी जागेगा क्या? पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चित एक दिन मरता है, जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वह गिरता है। हे रघुनंदन, हे रघुपुत्र, हे रघुनंदन, रघुनाथ, रघुनायक, रघुराई,
जो भी अवध के राजा है, वेद चरण अवध पर राज्य करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का कार्य करे। ये अधर और यह अनर बेबात अयोध्या पड़ती है, करनी है के कई माता की, पर उसका प्रजा भुगतती है। लौटिए भाई, इतनी देर दिखाई ठाकुर जी के मंदिर तक छोटी है रौन पुजारी की। हे भाई प्यारे भरत, हम क्षमा करें किसको, माँ को? माँ तो खुद ही निष्कलंकनी है, अपने चारों पुत्रों की जगदम्बे है, जग जननी है। विधाता, ये तूने क्या नहीं दिखाया? मैं नहीं जानती तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो, पासल भी उसका मैं नहीं हुआ, गंभीर हृदय तुम इतने हो। कौशल्या, कौशल्या यह तेरा नाम है, यह तो मेरा ही बेटा है, मेरा यह तन है, जीवन है, मेरा यह प्राण कलेजा है। मंत्रा दासी की संगति से पाए मैंने क्या उत्पाद किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे मरमजिया खत किया। ए बहु बेटियों नीचों की संगति में मत फंसना तुम, दुनिया की बहनों सीखो ईचो के मुंह पर लगना तुम। घर में जो दुष्ट दासियां है वह स्वामी तेरे फिरती है, बर्बाद करो की भूलों को नाना प्रकार से करती है। मुझसे कुछ सीखा हो तो मुझसे इतना सीखो तुम, दुष्टा अनुचरी सहचरी को घर में ना घुसने दो तुम। काम व्याकुल बनिया बेटी की कृपा चाहती है, तुम बेटे हो तो समझो, देखो मस्वाचारी। हे माँ, आप मुझे लज्जित ना करें। हे भाई भरत, यह आज्ञा पिता की है, यही है साधना मेरी, इसी में हित तुम्हारा है, यही है धारणा मेरी, वचन मेरा और पिता आज्ञा, करण अपना निभाओ तुम, करो मत देर अब भाई, अवध को लौट जाओ तुम। बड़े भाई के होते हुए छोटे कैसा नाच कर सकता है, यदि करता है तो यह अधर्म है, ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है,
क्या मैं अधर्म करूं? नहीं भाई, मैं तुम्हें कभी यह आज्ञा नहीं दूंगा। परंतु माता पिता की आज्ञा का पालन न करना सबसे बड़ा अधर्म है। क्या तुम यह चाहोगे? बेटा हमारा चाचा जो अनुकूल भूषण ठीक कहते हैं, 14 वर्ष रहे मन में प्यारे प्रतिनिधि होकर, तो समय रात की रक्षा में रघुवर वन के सुनो भरत, रघुवर संभाल करोगे तुम। रघुवाय जब वन से लौटे तो राज्य उन्हें दे दोगे तुम। गुरुदेव आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। भैया अवध का सिंहासन सुना रहे, इसके लिए आप मुझे अपनी चरण पादुकाए प्रदान करें। Oh my God, oh my God.